हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हो गए। सो फ्रेंड, मैंने अभी अभी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरे वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद करते हो और मेरे व्लॉग होते हैं फैमिली वाले। जो फैमिली में चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें और जो लोग नए हैं, जुड़े हैं आज, वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और जो पहले से देख रहे हो करें लाइक। सो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, मेरी वीडियोस को। और जो मैंने नए जाके पर वीडियो अपलोड की थी, जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो वो वीडियो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वायरल होगी, लेकिन इतनी तेज़ी से वायरल हो गई है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, इतना सारा जो है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कोई यूट्यूबर वालों ने मुझे नहीं सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है बाहर के लोगों ने, जो नॉन यूट्यूबर हैं। तो जब नॉन यूट्यूबर अगर हमें सपोर्ट कर देंगे तो हमारा चैनल ग्रो होने में टाइम नहीं लगता है। मैं इतना जानती हूँ कि यूट्यूबर लोग कभी किसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अपने चैनल होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। लेकिन वो सिर्फ हमारे वीडियोस पर आ जाते हैं, फुल वॉच नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक कमेंट कर देते हैं नाइस, ताकि हम इनके वीडियो पर आए और इनका वीडियो देखें। तो फ्रेंड, आप लोग ऐसी गलती क्यों करते हो, झूठ क्यों लिखते हो? झूठ लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वीडियो आप देखते हो तो पूरा देखा करो, वरना मत देखो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिसे पसंद है वो पूरा देखे ना, अगर नहीं पसंद है तो पूरा वीडियो ना देखें। वो सिर्फ ऐसे ही मेरे चैनल को नहीं देखेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लोग मेरे यूट्यूबर काफ़ी अच्छे हैं, कुछ यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जो फुल वॉच करते हैं और मुझे एंड तक देखते हैं, और एंड तक मैंने क्या क्या व्लॉग में दिखाया वो ज़रूर लिखते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये लोग मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, आप लोग यही सोचते होंगे कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बचा है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कंटेंट हमारे पास बहुत है, हमारे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम बहुत सारे वीडियो बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें घर के सारे काम करने होते हैं। लेकिन हम मुंबई में रहते हैं और हम कहीं हर जगह पे मैं नहीं नहीं जाती हूँ। मैं चाहूँ तो कितने सारे वीडियो ले लेकर आकर बना सकती हूँ मेरे बेटे को ले जाकर, लेकिन मैं बहुत कम बाहर का शूट करती हूँ। मेरा बेटा ही शूट करके लेकर आता है, और जो शूट करके लेकर आता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। आप तो जानते हो, मुंबई में रहने वालों के पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। शायद इसी वजह से लोग व्यूज़ हमारे कम आ रहे हैं। लोग सोचते होंगे कि इनके पास कंटेंट नहीं बचा है, तो आपकी सोच 100% गलत है। ये सोच ना रखें, मेरे पास बहुत कंटेंट है। मैं चाहूँ तो अच्छे से अच्छे वीडियो बाहर के अपने बेटे से शूट करा के आप लोगों को बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास भी टाइम है, वो सब पढ़ाई वाले बच्चे हैं, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जो मेरे पास वीडियो होते हैं, जो हम लोग कहीं मार्केट गए या कहीं जाते हैं, बना लेते हैं, वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दें। और आपको तो मैंने इतना अच्छा अच्छा मुंबई दिखाया, आप तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आपने इतना सारा मुंबई दिखाया, इतनी अच्छी ट्रेन दिखाई। सो फ्रेंड, ये तो सिर्फ मेरा आना जाना है, वहीं का मैं शूट करके दिखाती हूँ। अगर मैं स्पेशली जगह पर जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे वीडियो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मुंबई में लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, इस वजह से हमारा जाना फिर से बंद होने वाला है। जितना जाना आना था मैंने वो गई, मैं और बच्चे को भी मेरे लेके गई, तो हम लोग उतना आपको दिखाया। आपको बहुत सारी मार्केट मैंने दिखाई, मुंबई का मार्केट आपने देखा कितना अच्छा था, और मुंबई में हमेशा अच्छी ही चीज़ें मिलती हैं। आप लोग तो जानते हो, मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, जो गांव में बैठे हैं, जो दूर दूर हैं, और जो मुंबई के बाहर है, सऊदी में है,
और जो भी मतलब अमेरिका, लंदन, यूएस, ये लोग सब कमेंट करते हैं, ये लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। और मेरे चैनल का मुंबई सिटी ब्लॉग नाम है, तो मुंबई लोग देखना पसंद करते हैं, इस वजह से मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ कि जो लोग बाहर हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और बाहर से मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, और जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो वो किसी ने मेरी वीडियो को ये अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया है और मेरे वीडियो को शेयर किया है। तो इंडिया के लोग हैं और पाकिस्तान के लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया है, तभी मेरी वीडियो वायरल हो गई है। और मुझे पता नहीं था कि मेरे वीडियो वायरल हो गए हैं, लेकिन अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो पता चला मेरे को 90,000 व्यूज़ आ गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं। तो मेरे इस चैनल पर वो व्यूज़ नहीं आए हैं, वो व्यूज़ आए हैं मेरे नए जायके चैनल पर। और वहाँ पर लोग हर एक दिन, यानी के एक दिन पूरा 12 घंटा या 18 घंटे में मेरे को 100 लोग सब्सक्राइब कर ही देते हैं। तो 18 घंटे में या 24 घंटे में 100 लोग मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं, जो कि मेरे मुंबई सिटी व्लॉग पे 5 से 6 लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो होगा, तो इंशाल्लाह ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं जिस काम को हाथ लगाती हूँ वो कामयाबी पर मुझे ले जाता है, तो ये चैनल भी ज़रूर मैं इसको कामयाबी तक पहुँचाऊँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। और बहुत से लोग मुझे एक कमेंट आया था, बहुत से सारे कमेंट नहीं आए थे, एक कमेंट आया था। एक कमेंट में किसी ने मुझे ये लिखा था कि आप में वो ताकत है कि आप एक बड़ी यूट्यूबर बन सकती हैं। तो वो कमेंट किसी बहुत अच्छे यूट्यूबर ने मुझे किया था, मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना बड़ा मुझे हौसला देने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए इस व्लॉग में देखते हैं हमने क्या दिखाया है। तो चलिए व्लॉग कर देते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आए हैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास। तो ये डेंटिस्ट का दवा खाना है और मेरे बेटे के दांत में दर्द था और उसके मिल्की दांत टूट रहे हैं, तो इसे मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। और मैंने सोचा जब मैं आई हूँ तो मैं अपने भी दांत क्लीन करवा लूँ। तो ये डॉक्टर काफ़ी अच्छा है और ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। सो फ्रेंड, अपनी ज़िंदगी में दो बातों का ख़ास ख्याल रखना,
एक डॉक्टर और एक वकील, दोनों भी बहुत ही अच्छे करना, क्योंकि ये दोनों हमारी जान को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और डॉक्टर हमारे दांत को क्लीन करेगा। फ्रेंड, हम आए हैं आज मार्केट और ये मेरा व्लॉग है वेनेसडे का। तो वेनेसडे को हम गए थे मार्केट और यहाँ पर बच्चियों के मैं कपड़े देख रही हूँ। मुझे बच्चियों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही मैं देख रही थी। तो कुछ लोगों को कभी कभी मैं कपड़े छोटी बच्चियों को गांव वगैरह में भेजती हूँ, कुछ पहचान के लोग हैं। तो ईद आ रही है, कभी कभी भेजना पड़ भी जाता है, तो वही मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, बच्चियों की फ़राकें काफ़ी अच्छी थी। तो मुंबई में बहुत अच्छे मार्केट होते हैं और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो ये मार्केट हमारे घर से काफ़ी दूरी पर नहीं है, नज़दीक में ही है, सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। और इसी मार्केट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा घर भी है, जो कि हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं। और ये मेरा यहाँ पर मेरा सेकंड हाउस है, मैं चेंबूर में रहती हूँ। और ये जो हमारा घर है थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन शॉपिंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी मार्केट में करती हूँ। और मुझे इस मार्केट के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं और किसी को देने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर। तो पर्स वगैरह भी हमने बड़ा वाला नहीं लिया था, छोटे पर्स हमने लिए हैं, क्योंकि इस तरीके का पर्स मैं अभी ले चुकी हूँ। और बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर पर्स वगैरह की, तो मैंने छोटा पर्स लिया है। तो इस तरह का पर्स मैंने लिया है क्योंकि छोटा पर्स हमें ले जाने में आसानी रहती है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये व्लॉग आपको लगा कैसा। और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरे चैनल का मुंबई सिटी व्लॉग नाम है और मैं हमेशा बाहर का एरिया ही आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज हमारी बच्ची आई है और रात के बज रहे हैं 12 और ये घर में हमारे बैठी है। और यहाँ पर ये बच्ची फैज़ा की खाला की बेटी है और जो पहली बच्ची मैंने दिखाया है वो मामू की, ये दोनों बच्चियाँ एक ही घर की हैं। तो इन दोनों को मेकअप लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जब आती हैं ये मेकअप ज़रूर करती हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी बच्ची लग रही है और बहुत मासूम। तो ये जो है बहुत कम बात करती है और ये बहुत ज़्यादा चंचल है।
तो दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हैं दोनों भी। अब यहाँ पे दोनों मेकअप कर रही हैं, तो ये मेकअप कर रही हैं, इनको सजा रही हैं। तो इसे भी मेकअप लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है इस बच्ची को, और बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं। और आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, और ये मेरा रात का डिनर है। तो थर्सडे का दिन है और दाल फ्राई भी हमने बनाई है। तो बहुत सिंपल खाना आज का मेरा है, और सिंपल राइस और बैंगन आलू की सब्ज़ी मसालेदार। तो ये बैंगन बहुत अच्छे बने थे। वैसे बैंगन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने बनाया था ये बैंगन बहुत अच्छे बने थे। कभी कभी कोई सब्ज़ी भी हम जो नहीं पसंद करते हैं, जब उसे बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे बैंगन बने थे, जो कि मैं बैंगन बिल्कुल पसंद, लेकिन मैंने खाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी बन रही हैं। तो रोटियाँ मैं हमेशा सादी वाली बनाती हूँ, तेल वगैरह नहीं लगाती। मुझे तेल वगैरह वाली रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी तरह से हमें रोटियाँ पसंद हैं, और हमेशा हमें ऑयल कम खाना चाहिए। तो रोटियाँ भी हमारी बन चुकी हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो फ्रेंड, आपको मेरा ये व्लॉग लगा कैसा? व्लॉग पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।